अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति जारी हुई है, जिनका डीबी हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, बट फिजिकल नहीं हुआ, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति है। तो देखिए, जब इस तरह की विज्ञप्ति या सूचना जारी होती है, वो भी आयोग की तरफ से, तो आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो इसमें आपके सभी क्वेश्चन के डाउट हैं, जो लोग कह रहे थे कि मेरा डीबी हो गया है पर पीएसटी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो कब तक आएगा, या फिर आप ये पूछ रहे थे कि क्या हमारा एक बार हो चुका है, हम उसमें फेल हो चुके हैं, तो क्या हम फिर से बैठ सकते हैं, तो उसी के बारे में जानकारी हम इसमें पूरा देखेंगे। तो ये आयोग की तरफ से ही है, तो इसके अलावा कुछ और जानकारी सटीक हो ही नहीं सकती। तो देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक संपादित अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही में सफल अभ्यर्थियों जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही नहीं हो पाई, उन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के संबंध में नोटिस 2 जनवरी का है, आप लोग देख लीजिए। आरक्षी नागरिक एवं आरक्षी पीएससी पदों पर सीधी भर्ती 2018 वही दिया हुआ है। तो देखिए, उन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, किन अभ्यर्थियों की, जो शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही में सफल अभ्यर्थियों जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही नहीं हो पाई है, उन अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा के संबंध में 6/1/2019 और 7/1/2019 को निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर प्रस्तावित है। पहला तो ये है लखनऊ, 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ और मेरठ, 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ। और इसमें एक और जो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या उनका हो चुका है, एक बार वो फेल हो गए वो फिर से जा सकते, तो देखिए, उल्लेखनीय है कि पूर्व में शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर चुके अभ्यर्थी उक्त दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। जो पहले प्रतिभाग कर चुके हैं वो अब इस बार सम्मिलित नहीं होंगे। तो आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया कि हम फेल हो गए, क्या हम भी जा सकते, तो आप लोग नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो है, जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, उन अभ्यर्थियों के नए प्रवेश पत्र 4/1/2019 से डाउनलोड होंगे वेबसाइट पर, ठीक है। उन अभ्यर्थियों के डाउनलोड प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, निर्धारित तिथि व समय, सब कुछ आपका उसी में होगा, ठीक है। तो कल से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि टाइम तो देखिए बहुत कम है, 3 से 4 दिन है, तो 3 से 4 दिन के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन, जो बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर है, ले लीजिए, हायर कर लीजिए। 3 से 4 दिन कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसके बाद पीछे हटते हैं, तो बहुत ही दुख की बात होगी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो बिल्कुल भी आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, अपने जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कई बार न्यूज़पेपर में भी कि कई लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं, इतना भी नहीं कर पाए, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो किसी को फीवर आ गया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो। तो 3 से 4 दिन अपने आप को एक पूरा झोंक दीजिए और कोई अच्छा सा इंस्ट्रक्टर ढूंढिए। लड़का और लड़की दोनों के लिए बात कर रही हूँ, खासकर लड़कियाँ ज़्यादा बेहोश हो रही हैं, तो अपनी फिजिकल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं और क्या, और कैसे मतलब 3 से 4 दिन में अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन की राय जरूर लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा और सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। हम आपके सिलेक्शंस की तहे दिल से दुआएं करते हैं कि आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों की मेहनत रंग दाए। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।